ना यार हम आ गए तो सात रंग है ये कोई फर्क नहीं है अलबत्ता। वाओ मेहुल भैया ने स्टार्ट कर दी, क्या बात है। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, ये मेहुल भैया। और आज का हमारा जो स्टे है वो है रॉयल पार्क रिजॉर्ट्स। हर साल वाली थी जिनके पास हम हर साल आते हैं। और यहाँ हमें क्या मिला खाने के लिए देखो। तो डियर भैया लोगों, ये तैयारी हो रही है NIRM की और आज है 14th और हम लोग निकलने वाले हैं 15th को। तो मौसम के अनुसार हमने हमारी तैयारी करी है। ये मेरी राइडिंग पैंट, ये जैकेट, ये भी जैकेट इवेंट के लिए, और ये एक एडिशनल जैकेट अगर मान लीजिए बारिश आ जाती है तो। उसके अलावा हमने रखे हैं 2 जीन्स, 3 एक टी शर्ट्स, 2 स्वेटर्स और ये इवेंट के लिए कुछ स्पेशल शर्ट्स। इसके अलावा मैंने 3 मेरे राइडिंग बूट्स रखे हैं, 1 इवेंट के लिए और 2 राइडिंग के लिए। और ये हमारे पैंडनास, विंड शीटर्स और थर्मल, 2 ग्लव्स, ये इनर ग्लव्स और कुछ हमारे बैग्स। तो ये हमारी पूरी तैयारियां चल रही है NIRM की। आई होप आप लोग भी तैयारियां कर रहे होंगे, बट हम लोग कुछ बेटर तैयारियां कर रहे हैं। Hey, good morning everyone. So this is your दोस्त गौरव सोनी और आज हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ इंडिया राइडर्स मीट के लिए, जिसके लिए हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे। और फाइनली वो दिन आ गया है जब हम जा रहे हैं हिमाचल बद्दी। और सच मानिएगा, यकीन मानिएगा कि इतना फन होने वाला है कि आप लोग कहेंगे कि वाह ये होती है राइड। तो 2021 में हमने फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया राइडर्स मीट अटेंड करी थी और ये सेकंड टाइम है जब हम नॉर्थ इंडिया राइडर्स मीट के लिए जा रहे हैं। और बहुत सारे फंबल्स हुए हैं सुबह पहले, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा लेट हैं। ये हमारी बाइक्स जो कि रेडी हैं जाने के लिए। और यहाँ हमारे साथ हमारे लोन वुल्फ नितेश पारिक साहब जो कि जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया राइडर्स मीट के लिए, सी ऑफ करने के लिए आज हमें आए हैं जगदीश सर थोड़ी ठीक हो गई और सौरभ भैया। और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग आ सकते हैं वो लोग आए और सबसे बड़ी बात है जगदीश सर भी आए हैं। तो ये नितेश भाई जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया राइडर्स मीट के लिए सेकेंड टाइम। तो नितेश भाई 2021 के बारे में बात करें, कैसी रही थी राइड? यादगार राइड थी ना। तो फुल फॉग था स्नो में, इसमें गाड़ी चलाई रात को अपन लोगों ने, उसके वीडियोस देखे होंगे लोगों ने। इस बार डबल फन होने वाला है, इस बार अभी निकलते ही कर देंगे। हाँ, और हम लोग विंटर स्पीति करने वाले हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और सौरभ भैया भी हमारे साथ में है जो कि अभी रिसेंटली हमारे साथ में जुड़े हैं। सौरभ भैया आप नहीं चल पाए, कैसा लग रहा है? Upset, sad, unfortunate. कोई जब 2023 आएगा तो नेक्स्ट सीजन आएगा तब हमारे साथ जरूर चलना। गौर से देखिए इस चेहरे को, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि इनकी हमेशा ही आदत है लेट आने की और इस बार इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, पूरे 1.5 घंटा लेट है। 1.5 घंटा बस, इतनी खुशी? ये हमारे शिखर भैया, दादा प्यारी पूरी, प्यारी पूरी शाम की ये शाम वाली रात है। वो विक्की को देखो वहाँ, वो चश्मे की दुकान खोल के बैठा है वापस से। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यहाँ हो गया है फंबल और हम राइड पे, वहाँ फंबल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ शिखर दादा की हेलमेट का वाइजर निकल गया है यार, ये वाइजर और यहाँ अभी जद्दोजहद में लगे हैं कि वाइजर लग जाए। दबा के तो ऊपर करने का होगा ये। अभी हाईवे प्रिंस पे और यहाँ हमारा टाइम है हमारे ब्रेकफास्ट का। विक्की भाई आके बैठ जाओ और ये देखिए जरा, बताएं क्या है, थोड़ी देर बाद पता लगेगा। कुछ दिख रहा है वो? इसको
ये है दही। तो ज्यादा भी मत करो क्यों ना। वाह, कटोरी उल्टी करने वाला था यार। ये एक्चुअल में जमा के फ्रीजर में रख देता ना, डीप फ्रीजर में। ये हमारे विशेषज्ञ बोले, जम जाए आदमी। दही विशेषज्ञ, दिमाग का दही करने वाले। मजा ही आ गया आज तो, है दादा? शानदार, खाने का आनंद। नेक्स्ट टाइम यहीं रुकेंगे। वाह शानदार, ये हमारे आलू के पराठे, आलू प्याज के पराठे, और ये छोले भटूरे। वाह, लोगों का ब्रेकफास्ट ओवर हो गया है। यस बॉय, ये अब यही डालूंगा, देख तू टेंशन मत ले। नहीं दादा, पेट्रोल भरवाना है। रास्ता है जो कि अभी नया बना है, और लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए, अगर आप चंडीगढ़ जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर का फर्क है, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो लगभग लगभग ये नहीं है। ये निदेश भाई NIRM की तैयारी करते हुए, और NIRM में जा रहे हैं नितेश भाई। यस, सबसे पहले पहुंचूंगा भाई। दुल्हन जब, अरे भाई इसका टायर बैठ गया ना दो जनों में, जैसे दुल्हन लड़की विदा होती है। अरे बैठो, अरे नहीं यार, अरे बैठो, बोल दिया उन्होंने, बैठो यार। सबसे पहले पहुंचेंगे अपन, पैर ऊपर कर लेना। ये NIRM, हम आ गए। जी आया नू। आएंगे हम तो, सात रंग है ये जहां, रंगी बनाएंगे। अलबत्ता कोई फर्क नहीं, अलबत्ता कोई फर्क नहीं, अलबत्ता मैं दुखी हो पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो। क्या कह रहे हो? अच्छा, विजय मैडम को लेके आ रहे हो। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। मेहुल भैया ने स्टार्ट कर दी, क्या बात है। तो भैया लोगों, ऐसा है कि हम लोग अभी अम्बाला से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, और अब हम लोग नॉन स्टॉप जा रहे हैं अम्बाला के लिए, और आज का स्टे है हमारा जीरकपुर। क्षितिज भैया गए हैं पेट्रोल भरवाने, और हम लोगों ने खा लिया है हमारा लंच। अब निकलते हैं यहाँ से सीधे टापम टाप। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, और हम लोग हैं अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और ये है अम्बाला को जोड़ने वाला रोड, और अम्बाला है यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर अप्रॉक्स, और ठंड लगभग पड़नी चालू हो गई, शाम का टाइम है। तो अभी चल रहे हैं अम्बाला, फिर अम्बाला से चलेंगे राजपुरा, और राजपुरा से चलेंगे जीरकपुर। शाम के लगभग 6:30, और आप देख सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा है। सूरज डाउन हो चुका है,
और हम लोग निकलने की तैयारी में। चलो भैया लोग, भैया चलो। तो अभी यहाँ से जीरकपुर लगभग 66 किलोमीटर्स है और हम लोग आज लेट हैं जस्ट बिकॉज कि आज हम बहुत स्लो चल रहे हैं। चलते हैं जीरकपुर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जीरकपुर और अभी हम लोग हैं जीरकपुर की मेन स्ट्रीम में और आज का हमारा जो स्टे है वो है रॉयल पार्क रिजॉर्ट्स, एज यू कैन सी इन आवर बैकग्राउंड। और अभी आप यकीन मानिएगा कि सुबह से राइड कर रहे हैं, कहीं भी थकान नहीं हुई, बट जैसे हमने जीरकपुर में एंट्री की हम लोग थक गए क्योंकि ट्रैफिक इतना सारा था। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो ये हमारी बाइक्स जो हमने पार्किंग में लगा दी हैं, पूछ लेते हैं ना। और यहाँ हमारे शेखर दादा जो आज खुद भी व्लॉगिंग वाले मूड में है, इनको ये नहीं पता अभी भी चालू है, इसको बंद तो करो। ये बंद है, चालू है, ऑन है। और हमारे सिगरेट बॉय ऑन है, बाकी ये बंद है। विक्की विश्वास सिगरेट बॉय है, सनग्लास बॉय, हाँ झूठ बता रहा है। और वो देखो, ये सारे आज व्लॉगिंग के मूड में लग रहे हैं। आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हैं थैंक यू सो मच फॉर राइड। अरे भाई नहीं होता तो राइड कंप्लीट नहीं होता सर, अभी तो राइड चालू भी नहीं हुई बाबा। इतना भी हुआ है, मजा तो आया ना, वही बता रहा हूँ। तो ये हमारा स्टे है और हम लोग अभी जा रहे हैं और रूम में अपना सामान रखेंगे और उसके बाद चलेंगे हमारी दीदी से मिलने चंडीगढ़। क्यों दादा, यही प्रोग्राम है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी यहाँ से मैं तो हेलमेट भी नहीं उतार रहा हूँ चक्कर में, मैं भी नहीं उतार रहा। तो सामान रखेंगे और निकलेंगे। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। और एज यूजुअल हमारी जो हर साल राइड होती है दिसंबर की, इस बार भी थी और हम लोग आए हैं नॉर्थ इंडिया राइडर्स मीट के लिए और अभी रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत लेट हैं इस बार क्योंकि स्पीड लेकर चले थे 50-60 की, उससे ऊपर हम लोग गए नहीं। और जैसा कि हर बार होता है, हम लोग यहाँ आते हैं तो दीदी से मिलकर ज़रूर जाते हैं, तो यहाँ रेणु दी के पास में आए हैं हम मिलने के लिए। और अभी और भी हमारे भाई लोग आ रहे हैं, उनको भी मिलवाएंगे। तो यहाँ हमारे साथ में शेखर दादा जिन्होंने अभी अपना ब्लॉगिंग चैनल चालू कर लिया है, चालू किया, तो जाएं और सब्सक्राइब करें। यहाँ है हमारी दीदी, हर साल वाली दीदी जिनके पास हम हर साल आते हैं। और ये अच्छा जाने वाला है, नो डाउट, मुझे पता है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। ये है सब कुछ जाना पहचाना से है ना यहाँ पे, हर साल आते हैं इसलिए। थैंक यू। बिल्कुल, और कुछ अनजाना सा नहीं है, हम वही है। आइए, आपका इंतजार था। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, ये मेहुल भैया है, ये हार्दिक जी है, गुजरात से है ये। तो फाइनली आ गए हैं, तो चला जाए ना, भेजे हुए लड्डू। आ जाओ आ जाओ, न्यू फेसेस है इस बार। हाँ, सारे न्यू फेसेस मिलेंगे आपको। आइए प्लीज। यस, यहाँ हमारी गैंग, क्षितिज भैया, यश बाबू, मेहुल भाई और मैं नाम भूल गया भैया का, हार्दिक सर, हार्दिक भैया। कोई बात नहीं, होता रहता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दीदी से मिलके वापस अपने होटल्स की तरफ और ये हमारा डे वन है। डे टू की शुरुआत करेंगे हम लोग सुबह और कल चलेंगे कहाँ पे? GINU NIRM बद्दी। तो बद्दी और कहाँ? आपने सुना है जिंदगी के मजे लेना? नहीं सुना तो हम दिखाते हैं जिंदगी के मजे क्या होते हैं। तो रात के बज रहे हैं अभी लगभग 1 और हम लोग हैं चंडीगढ़ में जीरकपुर में और लगी थी भूख कि क्या खाएं, पूरा मार्केट बंद है और हम आए रात में घूमते घामते कुछ खाने के लिए। और यहाँ हमें क्या मिला खाने के लिए देखो भाई, यहाँ मिली होटल के नंबर क्या, गर्मा गर्म जलेबियाँ विद रबड़ी। नहीं यार, होटल का नंबर नहीं है यार। पाव भाजी, टाइम बताओ,
और वड़ा पाव। What time it is? और ये आ गए हमारे और भी वड़ा पाव। लगाओ भैया लगाओ। मैं कराता हूँ। चलते पड़ते हैं। लो।